हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी निर्णय एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सीटेट की तैयारी के क्रम में हमने जो पर्यावरण के 6 टॉपिक थे शुरुआती पर्यावरण में, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम पर्यावरण अध्ययन अर्थात पर्यावरण शिक्षण, या उसे पेडागॉजी जिसे कहा जाता है, उस पर काम शुरू करेंगे। पर्यावरण शिक्षण की अगर बात किया जाए तो NCF 2005 की जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग पेडागॉजी के अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु को पढ़ाना है बालक को। ध्यान ये दीजिएगा कि जो पर्यावरण का विषय वस्तु है वह कक्षा 3 के और कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए निर्धारित किया गया है। यानी कौन सी कक्षा के लिए, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए पर्यावरण की पुस्तक को निर्धारित किया गया है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? तो उन्हें अपने पर्यावरण के, जो उनका आसपास का पर्यावरण है, उससे संदर्भगत वातावरण से ही वो बालक सीखेगा। उसे अलग से पर्यावरण पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो वो क्या करता है, जो वो अन्य विषय पढ़ता है, हिंदी या अन्य जो सब्जेक्ट वो पढ़ता है, उसी से वह संदर्भगत लेकर के उसके वातावरण से बालक को परिचित कराया जाएगा। पर्यावरण अलग से पढ़ाने की आवश्यकता कक्षा 1 और कक्षा 2 के नहीं है। ऐसा ही NCF 2005 की रिपोर्ट कहती है। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कक्षा 1 और 2 के लिए आपसे प्रश्न पूछा भी गया है। ये कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश क्यों नहीं करता? क्योंकि जो विषय वस्तु बालक को पढ़ाया जा रहा है कक्षा 1 और 2 में, उसी से वह संदर्भगत अधिगम लेकर के बालक को सिखाया जाए। संदर्भगत वातावरण से ही, यानी विषय वस्तु जो है उसी से बालक को पढ़ाया जाए। अलग से पर्यावरण पढ़ाने की आवश्यकता बालक को नहीं है। देखेंगे NCF 2005 यह कहता है कि बालक को जो पर्यावरण अध्ययन है उसको 6 थीम में डिवाइड किया। यानी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए जो NCF 2005 की गाइडलाइन में आया कि 6 थीम में विषय वस्तु को डिसाइड किया जाना चाहिए, उसमें पहला जो टॉपिक है परिवार एवं मित्र का। ध्यान दीजिएगा, परिवार एवं मित्र को भी 6 नहीं बल्कि 4 उप थीम में बांटा गया है। यानी परिवार एवं मित्र विषय वस्तु जो है उसको 4 उप थीम में बांटा गया है। आपसी संबंध, आपसी संबंध का मतलब यह है कि बालक का जो परिवार में विभिन्न सदस्यों के साथ रिश्ता है, माता पिता के साथ, अपने दादाजी के साथ, अपने दादी के साथ, या अन्य रिश्तेदारों के साथ, या और अन्य जो उसके मित्र हैं उनके साथ का जो आपसी संबंध है, उससे क्या फायदा हो सकता है बालक को। परिवार के प्रति संवेदनशीलता को जगाया जाए और परिवार से वह बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ सीखता है, इसके संबंध में बालक को क्या किया जाए, जागरूक किया जाए। यानी काम और खेल, विभिन्न तबकों के काम क्या हैं उसके बारे में बालक को, क्योंकि बालक अपने अड़ोस पड़ोस में देखता है कि कुछ अलग अलग समुदाय के जो सदस्य हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, उन काम के प्रति बालक में क्या हो कि काम वह व्यक्ति सीखता कहाँ से है, कैसे उसके काम के बारे में जानकारी हुई, इन सब के बारे में बालक को ज्ञान दिया जाए। जानवर, ध्यान दीजिएगा, परिवार एवं मित्र के अंतर्गत जानवर एवं पौधों को भी शामिल किया गया, क्योंकि जानवरों का भी अपना परिवार होता है। हमने जैसे आपसे कक्षा में पढ़ाया है, पश्मीना का अपना परिवार है, बाघों का अपना परिवार है, शेर का अपना परिवार है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का अपना परिवार है। उनके बारे में क्या किया जाए, बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। उनके प्रति संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिए। जब उनका भी परिवार है, उनको भी जैसे हमारे बच्चे और हमारे माता पिता के जैसे, उनके भी बच्चों के भी माता पिता होते हैं, ये आपको इसलिए इनको पढ़ाना होगा। यानी NCF 2005 जानवर के साथ पौधों के विषय वस्तु को शामिल करता है। ध्यान दीजिएगा, परिवार मित्र का जो सब्जेक्ट है उसके 4 उप थीम हैं। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वह है भोजन का। यानी परिवार एवं मित्र के बाद जो अगला, जो सेकंड जो थीम है पर्यावरण अध्ययन का, वह भोजन का है। भोजन में क्या पढ़ना है, विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग डिश जो प्रचलन में है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गुजरात का अलग भोजन है,
हमने आपसे चर्चा किया कि गुजरात का भोजन क्या है, ढोकला है। हमने आपसे चर्चा किया है महाराष्ट्र का, गोवा का, जम्मू कश्मीर का, केरल का, विभिन्न क्षेत्रों का हमने भोजन के बारे में आपसे चर्चा किया है। केवल भोजन के बारे में नहीं, भोजन का डाइजेशन कैसे होता है, भोजन का पाचन कैसा होता है, भोजन के स्वाद के संबंध में जानकारी, ये सब आपको बालक को देना है। यह आपके NCERT पुस्तक में विभिन्न विषय वस्तु के बारे में बालक को ज्ञान दिया गया है। जल के बारे में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो हमें प्रकृति ने एक धरोहर के रूप में जल दिया है वह आज धीरे धीरे करके हम उसे नष्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि जल का संरक्षण किया जाए, जल को बचाया जाए। कैसे बचाने के क्या तरीका हो सकता है, जल के प्राकृतिक जो जल स्रोत के संरक्षण के साधन हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं, इन सब के माध्यम से जल को कैसे बचाया जा सकता है, इन सब के बारे में हमको बालक को जानकारी देना होगा। जल प्रदूषण कैसे बढ़ता जा रहा है, इसके संबंध में बालक को जानकारी देना होगा। पानी के बाद में है आवास, जो विभिन्न क्षेत्रों के आवास हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ के आवास कैसे होंगे, तो हमने आपसे चर्चा किया था लकड़ी के घर के बारे में, लकड़ी एवं पत्थर के घर के बारे में, हमने मिट्टी के घर के बारे में चर्चा किया, हमने जो है आपको बर्फ के घर के बारे में चर्चा किया, यानी जो विभिन्न प्रकार के आवास हैं उनके बारे में हमें भी बालक को ज्ञान देना है। बालक क्या करता है, बीच बीच में मम्मी के पास साथ में, पापा के साथ में, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में, या स्कूल के अन्य प्रोग्राम के साथ वह घूमने जाता है, तो यात्रा से वो सीखता क्या है, इन सब के बारे में भी बालकों में ज्ञान देना है। आप देखेंगे वस्तुएं कैसे बनती हैं, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी बालक को ज्ञान देना है। यानी ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण NCERT की जो गाइडलाइन है, NCERT 2005 की जो रूपरेखा है, उसमें कुल 6 विषय वस्तु को आपको पेडागॉजी के अंतर्गत बालक को अध्ययन कराना है। तो सबसे पहले तो हमें इस 6 थीम के बारे में जानकारी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि NCERT 2005 के अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब आप विचार करोगे कि पर्यावरण नदी भी है, पर्यावरण तालाब भी है, पर्यावरण यानी और भी साधन, लेकिन NCERT 2005 के अकॉर्डिंग यही 6 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बदल देगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सी विषय वस्तु पर्यावरण नहीं है। आप सोचेंगे यात्रा कौन सा पर्यावरण है, आप सोचेंगे कि भोजन कौन सा पर्यावरण है, अर्थात वस्तुएं कैसे बनती हैं ये कैसे पर्यावरण है, लेकिन NCERT 2005 की गाइडलाइन के अनुसार यह पर्यावरण है। अब अगर हम बात करें, ये तो आपका क्या हो गया, थीम के बारे में है। इस थीम को यानी ध्यान दीजिएगा, कक्षा 3 की जो पाठ्य पुस्तक है NCERT की, कक्षा 3 की, 4 की, 5 की, उसमें भले 20 चैप्टर दिया हो, 26 चैप्टर दिया हो, उसमें कितने चैप्टर दिए हैं, लेकिन सारे चैप्टर यही 6 थीम से तैयार किए गए। उसका थीम यही है, हो सकता है बूंद बूंद दरिया दरिया टॉपिक का नाम दिया है, बूंद बूंद दरिया दरिया का मतलब है पानी होगा। सुनीता विलियम्स के बारे में दिया तो सुनीता विलियम्स के देने का मतलब है यात्रा दिया, अर्थात वह किताब में 26 चैप्टर दिखावे के रूप में होगा, लेकिन एक्चुअल में वह 6 थीमों पर डिसाइड होगा वो पूरा का पूरा चैप्टर। यानी ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के अंतर्गत बालक को पढ़ाया क्या जाए, तो पढ़ाया क्या जाए, तो यही 6 थीम को बालक को पढ़ाया जाए, ये तो हमने डिसाइड कर लिया, पता चल गया। इसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये विषय वस्तु पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जाए, इसका क्या लाभ हो सकता है, इसको हम लोग आगे देखते हैं अगले टॉपिक के अंतर्गत। देखिएगा, पर्यावरण शिक्षण का क्या उद्देश्य हो सकता है, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्यों बालक को पर्यावरण यही पढ़ाया जाए, क्या फायदा होगा। सबसे पहले जो बालक हमारा है उसे पर्यावरण से क्या है, जो बालक का चारों तरफ का वातावरण है, बालक को जो चारों तरफ का पर्यावरण है उसके बारे में बालक को क्या किया जाए, बालक को परिचित कराया जाए।
बालक का जो आसपास का वातावरण है उससे बालक को परिचित कराना सबसे मूलभूत आवश्यकता है। यानी बालक के चारों तरफ का वातावरण है क्या? हो सकता है तालाब हो सकता है कि उसका उसके जल हो वहाँ पे अगल बगल में, हो सकता है उसका कोई दोस्त रहता हो सकता है मम्मी पापा रहते हों। यानी जो भी वातावरण है उससे बालक को परिचित कराना मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण का, यानी उद्देश्य। देखेंगे पहला पॉइंट दिया गया कि बालक के आसपास के पर्यावरण से क्या किया जाए, विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए। जब यानी ध्यान दीजिएगा, बालक को संविधान नहीं पढ़ाना है, बालक को क्या नहीं करना है, हमें भूगोल नहीं पढ़ाना है, बल्कि बालक के जो चारों तरफ का वातावरण है उसी के बारे में बालक को ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप विद्यार्थियों को आसपास के वातावरण से परिचित करा लेते हैं तब दूसरा देखिएगा कि बालक को भौतिक परिवेश के प्रति, भौतिक परिवेश का मतलब समझना होगा आपको। भौतिक परिवेश का मतलब होता है जो ठोस है, जो हमें प्रकृति ने धरोहर दिया है वही भौतिक परिवेश है। नदी एक भौतिक परिवेश है, आपका पर्वत एक भौतिक परिवेश है, मैदान एक भौतिक परिवेश है, पठार एक भौतिक परिवेश है। यानी भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता कि क्या महत्व है इस भौतिक परिवेश का, क्यों बचाया जाना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशीलता, यानी जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना कि जो ये हमको प्रकृति ने धरोहर दिया है ये हम सब का दायित्व बनता है इसको संरक्षित किया जाए। यानी प्रकृति हमारी धरोहर है और प्रकृति का संरक्षण करना हम सब की आवश्यकता है, अर्थात जो भौतिक परिवेश है उसके प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना। अगला देखिएगा, भौतिक परिवेश हो चुका है, अब बालक के जो सामाजिक परिवेश है, बालक के जो सामाजिक परिवेश के प्रति क्या किया जाए, जागरूकता किया जाए। यानी बालक को जागरूक किया जाए एवं बालक में संवेदनशीलता का विकास किया जाए। यानी सामाजिक परिवेश का मतलब है कि परिवार एवं मित्र के बारे में, परिवार में दादाजी का क्या इम्पोर्टेंस है, आज बालक का मित्र का क्या इम्पोर्टेंस है, रिश्तेदारों का क्या महत्व है, पिताजी का क्या महत्व है, इसके बारे में बालक को क्या किया जाए, जागरूक किया जाए। यानी बालक के जो सामाजिक परिवेश है उसके प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास किया जाए जिससे बालक में सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके। यानी पिता के प्रति सम्मान, गुरुओं के प्रति सम्मान, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, ये जो गुण हैं ये हम जब बालक को सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाएंगे तो बालक क्या होगा, सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक संस्कारों को स्वीकार कर सकेगा। देखेंगे समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, बालक को उन समस्याओं से अवगत कराया जाए, यानी सामाजिक समस्याओं से बालक को क्या किया जाए, परिचित कराया जाए, उसे अवगत कराया जाए। बालक को ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाइए, बालक को क्या पढ़ाया जाए, बालक को उसके जीवन की वास्तविक जो समस्याएं हैं, वास्तविक जो चिंताएं हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए पूर्वांचल की, पूर्वांचल में बाढ़ की एक समस्या है तो बाढ़ के बारे में बताया जाए। किसी क्षेत्र में भूकंप की समस्या है तो भूकंप के बारे में पढ़ाया जाए। कहीं पर जल निकासी की बड़ी समस्या है वहाँ पे उनके बारे में बताया जाए। यानी जो समाज की वास्तविक चिंता है उसके बारे में बालक को बताया जाए। प्लेटों का दर्शन पढ़ने से क्या फ़ायदा है, खासतौर से बालक के लिए, यानी शंकराचार्य के दर्शन को पढ़ने का क्या लाभ मिल सकता है, तो बालक को पढ़ाना जाए लेकिन क्या, जो उसके जीवन की वास्तविक चिंता है, जो सामाजिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बालक को पढ़ाया जाए। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में एक आपसी संबंध पाया जाता है, यानी मनुष्य और जो जीवन और पर्यावरण है उसके बीच में जो रिश्ता है उसके रिश्ते के बारे में बालक को समझाया जाए। जैसे मनुष्य का पूरा जीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, पूरा का पूरा जो जीवन है वह पर्यावरण से ही गाइडेड होता है। हम काले क्यों हैं ये पर्यावरण ने डिसाइड किया, हम काले क्यों, हम लंबे क्यों हैं, कोई छोटा क्यों है, कोई गोरा क्यों है, कोई शाकाहारी क्यों है, कोई मांसाहारी क्यों है, ये सब कुछ डिसाइड करता है कौन, पर्यावरण।
कोई आलसी प्रकृति का व्यक्ति हो सकता है वो, कोई बहुत एक्टिव व्यक्ति हो, हमारा जो वस्त्र होता है, हमारे जो पेय पदार्थ होते हैं, वह सब डिसाइड कौन करता है? पर्यावरण। अब पर्यावरण का यदि हमारे लिए इतना महत्व है, तो पर्यावरण के जो संरक्षण है, अर्थात पर्यावरण जो प्रदूषण फैल रहा है, तो उसको बचाने के लिए भी हमको प्रयास करना होगा कि हम अपने पर्यावरण के प्रति क्या हो जाएं, संवेदनशील हो जाएं, क्योंकि मनुष्य का जीवन सब कुछ पर्यावरण डिसाइड करता है। हमें लगता है कि हमारा जीवन पर्यावरण के बिना चल सकता है। सोचिए कि आज मनुष्य काला है और कोई गोरा है, तो ये डिसाइड कौन किया है? पर्यावरण ने। कि अगर वो विषुवत रेखीय क्षेत्र का बंदा है, व्यक्ति है, तो वो काला होगा ही होगा। अगर वो ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास में रह रहा है, तो गोरा होगा ही होगा। यानी मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध को बताया जाए बालक को, और इसके साथ में पर्यावरण प्रदूषण और उसके संरक्षण के बारे में भी बालक को जानकारी दिया जाए। बालक में अच्छे नागरिक को गुणों का भी विकास किया जाए कि बालक एक अच्छा नागरिक बन सके। बालक में कि जैसे वो क्या कर सके, जो उसके कर्तव्य हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, उनको भी क्या कर सके, वो एज ए स्वीकार कर सके। अगला पॉइंट ये कि बालक में जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुत्व के गुणों का भी विकास किया जाए। जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुत्व के गुणों को भी विकसित किया जाए बालक में, कि यानी बालक अपने जो सहपाठी हैं उनकी बातों को सुने, अपनी बातों को थोपे नहीं बालक में। इसे बोलते हैं जनतांत्रिक वैल्यूज। बालक में सभी पूरे देश के प्रति लाड प्यार हो, हमारा देश अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हम अच्छे हैं, हमारा परिवार अच्छा है, केवल इतना वैल्यूज अच्छा होना नहीं, यानी देश के सभी नागरिकों से प्यार हो उसको, सभी धर्म से उसको प्यार हो, ऐसे वैल्यूज का निर्माण बालक के अंदर करना होगा। यानी विश्व बंधुत्व के गुणों का भी बालक में विकास करना होगा। बालक को यह भी बताना होगा कि जो प्रकृति में भिन्नता है, प्रकृति की जो भिन्नता है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं मरुस्थल है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है, ये प्रकृति की भिन्नता क्या है? प्रकृति ने सबको भिन्न बनाया है, मनुष्य को भिन्न बनाया, और प्रकृति ने अपने आप को भी भिन्न बना के रखा है। इस भिन्नता को समाप्त करने का मतलब है कि क्या होगा, इस भिन्नता को समाप्त करने का मतलब है ऐसे प्रकृति का नुकसान, प्रकृति का क्षरण करना होगा, अर्थात हमें प्रकृति के भिन्नता को बालक को बताना होगा। देखेंगे बालक में हमें क्या करना है, साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना है। साकल्यवादी दृष्टिकोण का मतलब होगा संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना होगा। संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने का मतलब यह होता है कि बालक में क्या करना होगा, बालक में हमें जो साकल्यवादी दृष्टिकोण का, यानी बालक को विज्ञान भी पढ़ाया जाए, बालक को इतिहास भी पढ़ाया जाए, बालक को भूगोल भी पढ़ाया जाए, बालक को संविधान भी पढ़ाया जाए, लेकिन होलिस्टिक स्टडी, अलग से नहीं बल्कि एक साथ सबको मिलाकर के पढ़ाया जाए। जैसे सुनीता विलियम्स के बारे में बालक को पढ़ाया गया, तो सुनीता विलियम्स एक इतिहास है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जा रही, उनके बाल खड़े हैं, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान है। और जो भूगोल है, यानी वो अंतरिक्ष के बारे में, पृथ्वी के बारे में उन्होंने जो अर्जेंटीना कहाँ है, जो विभिन्न प्रकार की बातें बताया, हमारे अपने अंतरिक्ष के बारे में बताया, यह भूगोल भी है। अर्थात यानी बालक में क्या करना होगा, अलग अलग सब्जेक्ट न बना पढ़ा करके, बल्कि एक साथ में क्या करना होगा, सभी विषयों को बढ़ाना होगा। बालक में पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा, बालक में पर्यावरण के प्रति रुचि, बालक में पर्यावरण के प्रति कल्पना एवं मिश्रण स्मरण शक्ति का भी विकास करना होगा। यानी ये पर्यावरण के क्या हैं, उद्देश्य हैं, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए, ये इसका उद्देश्य है। प्लस इसके साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो भी कक्षा कक्षी अधिगम है, जो कक्षा में विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा जाए। केवल बालक को क्या नहीं करना है, केवल कक्षा की चीज़ों को कक्षा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि कक्षा की चीज़ें जो हैं, जो भी विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं, उसको बाहर की दुनिया से भी जोड़ा जाए। तो देखेंगे ये हम लोगों का जो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का, हम लोगों ने जो देखा वह उद्देश्य देख लिया और उसकी विषय वस्तु देखा। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग देखेंगे
पर्यावरण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक में कौन कौन से कौशल का निर्माण करना है, इस उद्देश्य को हम लोग ध्यान में रख करके नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को अपने मित्रों को भी बताएं कि पर्यावरण और हमारे यहाँ पर सीटेट, सुपरटेट, एनटीपीसी, रेलवे या अदर अन्य वर्ल्ड एग्जाम के तैयारी के लिए हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। शुल्क भी बहुत न्यूनतम रखा गया है, इतना कि आप उसे आप जब बात करेंगे लगेगा कि यार इतना कम रेट पर और इतना टॉप क्लास का संस्थान कैसे उस शुल्क को बियर करके हमारे पास में वो जो ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहा है, मतलब बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर आपको ऑनलाइन। हमारा उद्देश्य है कि अधिकतम लोगों को ऐसे क्या हो सके, हमारी कक्षाओं का लाभ मिल सके। देखिए नंबर है, अपने मित्र को जिनको आप बताएं उनको नंबर दे दें, नंबर पे वो बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक नंबर है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।